यहां बस बता रहा हूं कि मैं यहां अपना आईडी नंबर डालना चाहता हूं, राइट, आईडी नंबर। ठीक है। अब आईडी नंबर मान लीजिए मैं आईडी नंबर अगर मान लीजिए 104 डाला, और उस आईडी के अगेंस्ट में अमाउंट जो है अगर ग्रेटर देन 5000 से ज्यादा है तो कलर हाईलाइट हो जाए, समझ गए। ठीक तो इसके बगल में आपको क्या करना है, बी लुकअप लगाना है, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, डेटा को सिलेक्ट किए, और ये आपका हो गया बी लुकअप में, 1 2 3 4 5 है। हाँ 5,0। अब एरिया आपका फिक्स है ना, इसको कर दीजिए फ्रीज, ठीक है। हाँ अब इसको फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए, मैं यहाँ डाल दिया। अब यहाँ पे जाइए फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे अब जो है डाल दीजिए, क्या डालिएगा, सबसे कस्टम नीचे फॉर्मूला, कस्टमर फॉर्मूला। और वी लुकअप डाल दीजिए। और वी लुकअप का हमने बोला कि जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन 5000, ठीक है सर। ठीक है। और कलर मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से चूज कर लिया रेड, एंड डन कीजिए, हो गया रेड। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ, ये मैं डाल रहा हूँ 110, हट गया, क्योंकि 110 में 1500 सब कुछ है, इसको डिलीट कर दीजिए, जरूरत नहीं रखना है, तो इससे लिंक ही नहीं है, ठीक है। ठीक ये है। तो एक सौ हमेशा ये ट्रू और फॉल्स का कोई एक देना पड़ेगा। जी कोई रिजल्ट नहीं समझे कि यहाँ के इसके अंदर में अगर ये जो कंडीशन आप में यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स चाहिए, आप डायरेक्ट लिख दीजिए या कंडीशन से दे दीजिए या वी लुकअप लगा दीजिए, कुछ भी लगाइएगा, फाइनल रिजल्ट ट्रू फॉल्स होना चाहिए, ठीक है, समझ गया। ठीक। समझ गए ना। ठीक। तो बाकी फॉर्मूले तो आते ही है, अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं इसको आप, हाँ ठीक है। तो हमने गूगल की इनबिल्ट जो चीजें थी वो हम आपको बता दी। अब हम बात करेंगे इसके एक्सटेंशंस के बारे में, राइट सर। हाँ एक्सटेंशन एक्सटेंशन में दो चीजें हैं, एक हो गया आपका, तीन चीजें सॉरी, एक हो गया आपका एड्स, या हो गया आपका एड ऑन्स हो गया, दूसरा आपका मैक्रो हो गया, तीसरा आपका ऐप स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों के ठीक बारे में हम बात करते हैं, उससे पहले हम एडऑन्स के बारे में बात करते हैं। एडऑन्स जैसे आप गूगल प्ले स्टोर यूज करते हो मोबाइल में, आपने मोबाइल खरीदा तो उसमें पहले से कुछ बने बनाए एप्लीकेशंस है, इसका इस्तेमाल कर लिया, हाँ और फिर या आपके और भी जो चीजें चाहिए आप स्टोर से डाउनलोड कर लेते हो, सेम चीज एडऑन में होता है। गेट एडऑन पर जब क्लिक करेंगे तो आपको एक स्टोर पे ले जाएगा जहां से आप अपने हिसाब से जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, ठीक है। अच्छा। यहां दिख रहा है, हाँ ये सारे चीजें हैं। अब कुछ फ्री है, कुछ पेबल है, कुछ में कुछ फ्री है, कुछ पेबल है, समझ गए। जैसे मैंने यहां पे फॉर्म मेकर लिया, ये लिमिटेड थी क्या, आपको लिमिटेड है, मैंने इंस्टॉल कर लिया, कंटिन्यू, ये साइन इन मांग रहा है, मैंने बोला साइन इन कर दिया, अलाउ करने के लिए बोला, अलाउ कर दीजिए, ठीक है, एंटर। अब यहां पे कट किया, अब यहां देखोगे एनॉन एलॉन एडॉन के बीच में आपके सामने आ गया, यहां पीछे फीचर्स भी आ गए, अच्छा। जैसे वीडियो भी दिया देखने के लिए, ये आपका दिख गया कि आप क्या क्या फॉर्म बना सकते हैं, एक बना बना फॉर्म फॉर्मेट भी दे दिया आपको, ठीक है सर। अब इसका यूज कर सकते हैं, इसमें जो बट ये चीज है क्या डालेंगे, भाई सारा? ये फॉर्म है और ये फ्री भी है और ये पेबल भी है, ये अलग से एक अलग दे दिया, इस शीट के अंदर देखिए अलग शीट दे दिया आप, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हाँ अब इसको देखना पड़ेगा क्या, मैं ऐसे ही मैनुअली डाउनलोड कर लिया है, मैं भी इसको आप ही जैसे जैसे आप देखो उतना मैंने ही देखा, लेकिन हाँ बना बना एक टेम्पलेट हमको दे दिया है इसने, ठीक शीट फाइव के है। अंदर एक टेम्पलेट दे दिया बना बना। अब इसको सेलेक्ट करके अब मैं जाता हूँ यहाँ पे,
एक बनाया बनाया फॉर्म दिया है, इसका एक यूज टेम्पलेट है, एक तरफ का होता है, एक तरह का बनाए बनाए टूल्स होते हैं जिसका यूज कर सकते हो आप। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है ना, और ये अपडेट होते रहते हैं, ऐसा नहीं कोई चीज फिक्स है, ये चेंज होते रहता है, नए नए चीज जैसे प्ले स्टोर होता है ना उस तरह से आते रहता है, जैसे मेल मर्ज हो गया। तो ये चीज एक बार देखिएगा अपने हिसाब से, इसको इंस्टॉल करके फिर यूज करना होता है, ठीक है, और कुछ फ्री होता है ठीक और कुछ पेबल होता है। ओके ठीक है, ठीक चलिए दूसरा इसमें आता है आपको मैक्रोज, मैक्रोज रिकॉर्ड मैक्रोज। अब रिकॉर्ड मैक्रोज क्या है कि आपका जो कुछ काम है। है उसको अगर आप चाहते हैं रिकॉर्ड करना, तो यू कैन रिकॉर्ड और सारे चीज को अपने हिसाब से बना देगा। जैसे मुझे एक टेम्पलेट बनाने का मैक्रो रिकॉर्ड करना, तो मैंने यहाँ पे किया रिकॉर्ड माइक्रो स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग माइक्रो चालू है, ठीक है। हाँ अब मैं यहाँ पे एरिया लिया, इसको सिलेक्ट किया, मैंने किया मर्ज, यहाँ पे लिखा डेली सेल्स, ठीक है, अभी हो गया आपका, बन गया सर। अब नेक्स्ट टाइम में मुझे चाहिए होगा तो एक मिनट इसको ऑन करता हूँ, मैं पूरा किया नहीं, मैं सेव कर दिया था, मैं ऐसे टेस्ट कर रहा था, मैं यहाँ पे M1 है ना, इसको रन ठीक कंटिन्यू, ऑथराइज करना पड़ता है पहले, डायरेक्ट ऐसे रन नहीं करेगा, है आपको ऑथराइज वन टाइम ऑथराइज करना ठीक पड़ेगा। अब जो है एक्सटेंशन ये आपका, समझ गए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब हर बार मेरे को यही चीज छोड़ो, अगर मान लीजिए कोई दूसरा चीज करना हो तो तो वो चीजें नहीं समझे, रिकॉर्डिंग माइक्रो लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग माइक्रो आपको जो है सब कुछ कर देगा, बट एक रिकॉर्डिंग माइक्रो के थ्रू आप जो है स्क्रिप्ट को से समझ सकते हैं। जैसे इसको स्क्रिप्ट में हर बार मुझे डेली सेल्स नहीं चाहिए, नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ और चाहिए होता है, तो आपको वही यहाँ वही पे यहाँ एक्सटेंशन में जाना होता है, और यहाँ पे दिख रहा है ना आपको मैनेज मैक्रो में जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए और एडिट स्क्रिप्ट दिख रहा है, तो इसकी प्रोग्रामिंग खुल के आ जाएगी, और यही आपका होता है ऐप स्क्रिप्ट जो हमने बताया था आपको, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट यही होता है। अब इसी के अंदर आपको चेंजिंग करना है, जैसे मुझे नेक्स्ट टाइम जो चाहिए डेली सेल्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मंथली रिपोर्ट, तो यहाँ पे आप इसको मंथली रिपोर्ट कर दीजिए, ठीक है, ठीक रिप्लाई कीजिए, यहाँ यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए, सेव इस प्रोजेक्ट, नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको रन करूँगा, इसको रन करूंगा तो डेली सेल्स M की जगह पे एक बार डिलीट कर देता हूँ उसको मैं। अब मैं अब जो इसको रन करूंगा तो उसमें देखेंगे मंथली रिपोर्ट आ गया, बट ये यूज कहाँ करेंगे इसको? कुछ देखिए रिपीटेटेड वर्क के लिए, जहां पे कुछ ऐसा काम है, कुछ ऐसा चीजें बनानी है जो बार बार आपको रिपीट करनी है, वहां भी और इसकी अब इसी कोड को आप ऑटोमेट करेंगे ना, इसी इसी कोड को सीखेंगे आप आगे चल के, तो इसी में आप अपने हिसाब से ऑटोमेशन तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है 20 डेटा है, आपके पास एक फाइल आता है, इसमें 20 के आसपास डेटा शीट्स है, सबको एक के नीचे एक के नीचे एक कॉपी पेस्ट करते हैं। अब उसकी आपने उसकी स्क्रिप्टिंग यहाँ पे कर दी, नेक्स्ट टाइम जैसे रन करेंगे वो अपने आप हो जाएगा, पर ये स्क्रिप्टिंग सीखनी पड़ेगी आपको, दिख रहा है ना, इसकी स्क्रिप्टिंग आपको सीखनी पड़ेगी। तो आपको मैं स्क्रिप्टिंग तरह सिखाऊंगा, शुरुआत में बताया था, बट हाँ जैसे कि रिकॉर्ड करने के बाद जो चेंज करने से मैंने यहाँ पे देखिए मंथली रिपोर्ट चेंज किया, ये चेंज करने का जो तरीका है वो मैं आपको एक दो क्लास में सिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि हमने चेंज किया, अब बात है कि मेरा रेंज भी अलग है क्या, तो A1 से F नहीं है G है, तो यू कैन चेंज, यहाँ G चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, ये मर्ज है,
मुझे मर्ज नहीं करना है, इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट अपने हिसाब से, जो अलग टेक्स्ट लिखना है यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे गेट्स का, यहाँ पे गेट करेंट सेल सेट वैल्यूज द मंथली सेल्स, तो ए दो लाइन दिख रहा है आपको, इन दोनों लाइन को लिखोगे कहीं भी लिख सकते हैं आप, कहीं भी जरूरत हो सकती है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं किसके अंदर, माइक्रो रिकॉल माइक्रो करके आपके लिए बेनिफिट रहेगा ये, मैं कल की क्लास में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा आता है ऐप स्क्रिप्ट, जब आपको शुरू से अपने लिए कुछ बनाना है तो ये जो दिख रहा है ऐप स्क्रिप्ट एक खुल जाएगा, जैसे वीवीए होता है ना एक्सेल के अंदर प्रोग्राम, उस तरह से आपका ऐप स्क्रिप्ट वर्क करता है, जहां पे आप अपने हिसाब से जो प्रोग्रामिंग बनाना चाहे वो प्रोग्रामिंग बना सकते हैं, दैट कहलाता है आपका ऐप स्क्रिप्ट। ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी ऐप स्क्रिप्ट जो है यहां से वर्क करती है। ओके ठीक है, उसके बाद इसमें दो चीज आपने सीखा, अब ऐप स्क्रिप्ट और माइक्रो रिकॉर्डिंग के बारे में आपको आगे क्लास में डिटेल में बताऊंगा, राइट सर। अब हम बात करते हैं फॉर्म मेकिंग का, गूगल फॉर्म का। अब गूगल फॉर्म क्यों चाहिए होता है पहले जान लीजिए, राइट। तो गूगल फॉर्म की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि आपको 10-20 जगहों से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कैसे ले? आपके 20 स्टोर है, राइट, मान लीजिए आपके पास 20 स्टोर है, 20 स्टोर जो है आपको जो है रिपोर्ट अपना डेली सेल्स का रिपोर्ट भेजता है, तो आपके पास क्या होंगे 20 मेल आएगा, राइट। ठीक है, अब 20 मेल के डेटा को एक साथ कंपाइल करके फिर उसके ऊपर आप रिपोर्ट बनाएंगे। उससे अच्छा आप फॉर्म पे क्लिक कीजिए और एक रिपोर्ट अपना खुद बना लीजिए, जैसे आपने लिया आपने, तो सबसे पहले आता है टाइटल, मैंने कैसे क्या किया, गूगल ड्राइव में गया, न्यू पे गया और यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक कर दिया। ठीक है, फॉर्म क्लिक करने के बाद इस तरह का विंडो खुलेगा, तो सबसे पहले यहाँ मैं डबल क्लिक किया और अपना टाइटल लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सेल्स अपडेट। टाइटल फॉर्म, अच्छा ये अनटाइटल फॉर्म यहाँ है ना, इसको चेंज कर दो, सेल्स अपडेट 2022। ठीक है, ठीक है, सेल्स अपडेट 2022, इसको बोल्ड कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, इटैलिक कर दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे लिख सकते हैं, यहाँ पे फिल डेली सेल्स डिटेल, यहाँ पे डिटेल। ठीक है, ये हो गया, ये आपका हेडिंग हो गया। अब यहाँ पे आता है कि अब क्या क्या करना चाहते हैं, क्या ऐड करना चाहते हैं, तो मुझे जो चाहिए वो चाहिए आपका शॉर्ट आंसर, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया स्टोर स्टोर नहीं, ठीक है, शॉर्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर कर दी, मतलब फिल करना ही पड़ेगा, फिर यहाँ पे आप जो है आप प्लस कीजिए, यहाँ पे पहला कुछ मल्टीपल चॉइस है तो यहाँ पे आप दे दीजिए शॉर्ट आंसर, यहाँ पे लोकेशन, ठीक है, ठीक है, फिर ये भी रिक्वायर्ड है, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे दीजिए डेट, फिर मल्टीपल चॉइस के जगह पे डेट डाल दिया तो डेट का कैलेंडर ऑटोमेटिक आ गया, फिर यहाँ से प्लस कीजिए, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे नेम, सॉरी टोटल सेल्स अमाउंट, ठीक है ना, शॉर्ट आंसर ये भी है, ये शॉर्ट आंसर, ठीक है, ये भी शॉर्ट आंसर आता है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा टोटल बिल जनरेट, जनरेट कि टोटल बिल कितना जनरेट हुआ, और मल्टीपल चॉइस नहीं है, ये आपका
ये शॉर्ट आंसर, ठीक है ना। उसके बाद ठीक यहाँ पे है। आप कहते हैं रिपोर्ट अपलोड, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, आपने फाइल अपलोड कर दिया, ठीक है, ठीक है। हाँ कंटिन्यू कर दिया हमने। ओके, साइज वगैरह ठीक क्वांटिटी सब चीज़ डिफाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। है। अब आपका फाइनली बन गया, अब इसको कीजिए सेंड। सेंड आप जिसको भेजना चाहते हैं यहाँ पे मेल कर दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया IPT देयर, अपने आप को ही भेज देता हूँ मैं, ठीक है ना। डॉलर डाल दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए सेंड। सेंड करने के बाद जिसको उसको भेज दिया आपने, उसके ईमेल आईडी पे क्या आएगा, एक मेल आएगा। ठीक अब इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज, अपना जीमेल खोल लो। ये देखिए आ गया, गया। अब इसको आप ओपन कर लेंगे। यहाँ से चेक विजिबिलिटी, एक्सेस नहीं दिया। अभी आएगा सर, वो भी आया नहीं है। ये देखिए वही आपका है, मेरा एक्सचेंज का आया। अच्छा अभी नहीं, इंसिस्ट नहीं करेगा, फिर वापस करते हैं हम। जाना चाहिए था आया ना। मेल गया है ना अभी। मेल आएगा, अभी आएगा, इसमें तो नहीं चला गया स्पैम में। अच्छा लिंक भी जनरेट कर सकते हैं आप, ठीक है ना, या गूगल फॉर्म की तरफ से मेल आता है। वो नहीं, यहाँ लिंक कॉपी पे करके भेज दो। हाँ, तो यहाँ पे काम करता हूँ, फॉर्म फॉर्म्स रहा ना, फॉर्म्स में हमारा सेल्स अपडेट है, ये दिख रहा है। अब इसको क्लिक क्लिक करते हैं, क्लिक करते फॉर्म का ये आ गया। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ 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 सेंड करते हैं, ठीक है ना। सेंड सेंड में यहाँ लिंक दिख रहा है ना, ये लिंक जनरेट हो गया। अब कोई सॉर्ट करने भी के लिए हाँ सॉर्ट कहीं भी आउट वेबसाइट वगैरह पे डाल दीजिए, जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इस तरह का फॉर्म दिखेगा, ठीक है। कर लेंगे। ठीक अब यहाँ पे अपने आंसर फिल कीजिए, डेट ऑफ फिल कीजिए, यहाँ पे अपना फाइल अटैच कीजिए, सबमिट कीजिए। इस जो भी सबमिट होगा ये आपके ड्राइव के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि सिर ये आपका फॉर्म है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ ये फॉर्म है इसका, इसकी फॉर्म का सीट भी है। अब यहाँ पे इसका डेटा भी, यहाँ पे आप इसका डेटा भी देख सकते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं कि इस नहीं कोई रिस्पॉन्स आया है। यहाँ पे क्लिक यहाँ करके इसकी पे एक हाँ क्लिक क्रिएट करते हैं, सीट क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेल सीट, जहाँ करके। पे जो भी रिस्पॉन्स होगा इसके अंदर आ जाएगा, जो भी रिस्पॉन्स होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम डालते हैं, ठीक है, आंसर में हमने डाल दिया, यहाँ पे स्टोर के नाम डाल दिया MUZ, लोकेशन हमने डाल दिया मुजफ्फरपुर, डेट हमने यहाँ पे कैलेंडर आ गया, आज का डेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अमाउंट हमने बोला कि भाई इतना सेल हुआ है, बिल जो है मान लीजिए कि 123 जनरेट हुआ है, और रिपोर्ट में कोई फाइल आप यहाँ से अपना अटैच कर दिए, जो भी आपका फाइल है रिपोर्ट फाइल, जैसे मैंने मैंने कोई पिक्चर ही मान लीजिए डाल दी, वाला पिक्चर ही अपलोड कर दिया, ठीक है। मैं जैसे सबमिट किया, ठीक सबमिट होने के बाद यहाँ एक मैसेज आएगा, ठीक है, योर रिस्पॉन्स हैज बीन ठीक रिकॉर्डेड। अब इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब अब यहाँ इसमें से आ आइए। गया, ठीक है। और अब अच्छा, यही ये लास्ट आपका में ये वाला जो लिंक, फाइल ये आपने वाला जो अपलोड किया फाइल है, आपने अपलोड मैं चाहता हूँ इसको मुझे दोबारा एडिट करना हो किया तो है, फाइल खुलना हो फिर से तो मुझे फिर इसी इसी फाइल जो फाइल जो हमने आपने फिल फिल किया किया है, है, जिसमें जिसमें आपने आपने MUH MUH डाला, डाला, मुजफ्फरपुर डाला, डेट मुजफ्फरपुर डाला, डाला, इसको मुझे हाँ एडिट करना हो एडिट, फिर हाँ तो से। इसके इसके लिए आपको बताया ना, आपको अपने ड्राइव में जाना होगा, और यहाँ फॉर्म सर्च करके फॉर्म पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्म का एडिट मोड खुल गया ना यहाँ पे।
अब इसको एडिट करना है, क्लिक ये दूसरा दूसरा फॉर्म खुलेगा नहीं, दूसरा फॉर्म नहीं, अभी। वही फॉर्म का एडिट मोड में आ गया, देख रहे एडिट मोड है, मैं दोबारा खोला ना, जैसे मैं यहाँ रिस्पॉन्स, तो यहाँ रिस्पॉन्स आया हुआ है, ठीक है अगर ना, हाँ क्वेश्चन है इनविजिबल है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स आया हुआ है, ठीक है, ठीक अगर है, अगर रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स एक दिख रहा है एक जिसका दिखा मुज मुझे नेम नहीं है, है, ठीक है ठीक है ना, ना, अभी अभी मेरे मेरा इसके इसके मुज मुझ नेम नेम को को MUZZZ लिखना लिखना है, है। तो इसी सर को एडिट एक करना बार है। रिस्पॉन्स आ गया तो आप सीट में जाइए ना, यहाँ चेंज कीजिए ना, बट मैं यहाँ बट चेंज नहीं करना चाहता ना, मैं चाहता हूँ फाइल को फाइल खोल को के के मुझे इसमें मुझे नया नया कुछ और कुछ ऐड और करना हो। एड। सर मान आप लीजिए बात आपने, एक मिनट, एक समझिए, ये जो आपका है फॉर्म आपने बनाया है इसको, ये फॉर्म आपका सिर्फ डेटा इंपोर्ट कर इनपुट करता है, समझ गए ना, और इस जो डेटा है इसको, ये नहीं एक मिनट में नहीं मेरी कंप्लीट होने दीजिए फिर बोलिएगा, ठीक है, ये जो आपका है जस्ट रिसीवर है, डेटा रिसीव करता है, डेटा रिटीवर नहीं है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, समझ गए, डेटा जस्ट रिसीव कर सकते हैं, डेटा स्टोर होता है आपको कहाँ पे, आपके एक्सेल सीट में, तो इसमें क्या होगा कि सारे डेटा एक के नीचे, ऐसा नहीं कि हर हर एंट्री के लिए वो अलग फाइल बनाएगा, हर ठीक एंट्री है, के लिए वो अलग अब फाइल नहीं मैं बनाएगा, वो सारे एंट्री इसी के नीचे आएगा, अगर कोई एंट्री चेंज करनी है आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, और आप जो चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे आऊं और सेलेक्ट करूं डेटा आ जाए और उसको मैं चेंज करूं, ये चीज हाँ नॉर्मल वे में पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको फॉर्म की स्क्रिप्टिंग करनी होगी जहां से वो फॉर्म रिट्रीव करेगा, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ गूगल फॉर्म, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर वेबसाइट, तो अभी जैसे जैसे अपना जो आपका जो था ना, यहाँ खाना पे है अपना आपका जो जो, है, ठीक ठीक है, है, हाँ उसमें क्या उसमें है, क्या आप है, इस आप वाले सोलह सीट में सीट आइए, में एक्सेल आइए, वाली एक्सेल सीट वाली में जो सीट अभी में एक्सेल जो का जो डेटा इसका आ रहा डेटा आ है, रहा है। हाँ हाँ हाँ, अब ये ये जो है, डेटा मान है लीजिए आपके स्टोर नेम स्टोर नेम आपने दे दिया आपने दे मुझ, दिया ठीक मुझ, है ना, हाँ लोकेशन में मान लोकेशन लीजिए मान ये लीजिए पैक्ड है, पैक्ड तो है, पैक्ड के अंदर पैक्ड के हमें यहाँ अंदर पे हमें क्वांटिटी डाल क्वांटिटी दिया, डाल, पैकिंग पैकिंग क्वांटिटी क्वांटिटी डाला, डाल, कि मतलब मतलब गिवेन गिवन पैकिंग पैकिंग, कितना कितना पैकिंग पैकिंग दिया दिया गया, गया, उसके बगल उसके में बगल एक में डेटा है डेटा है पैक्ड, पैक्ड, मान मान लीजिए लीजिए दिया दिया गया गया 500 और 500 पैक पैक हुआ हुआ 450, 450, तो तो क्या क्या होता है होता कि है कि हम हम क्या क्या करते हैं करते यहाँ पे, हैं कि मुझ डाल मुझे दिया डाल दिया हमने हमने पैक्ड में, पैक की पैक क्वांटिटी क्वांटिटी दे दे दी दी और हमने और फिल हमने डेटा फिल डेटा कर दिया, कर ठीक है, दिया, लेकिन ठीक है, जब पैक हुआ ना, हमें हमें उसी उसी फाइल को फाइल को दोबारा से दोबारा से खोल के खोल और के पैक्ड पैक्ड वाली वाली डेटा डेटा में में 450 450 फिल फिल करना करना पड़ता है, पड़ता तो है, जो तो जो पैक्ड पैक्ड करते करते हैं हैं यहाँ पे यहाँ एक पे लिंक लिंक क्रिएट हो क्रिएट जाता हो है जाता है बगल 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 में बगल, उसका, उसको उसको क्लिक क्लिक करते हैं करते हैं वो वो एडिट एडिट मोड मोड में में चला चला जाता जाता है, है, वहीं वहीं से से जो जो आपने आपने फिल फिल किया किया है है उतना उतना ही ही रहता रहता है, है, नया नया फिर फिर से से वो वो एडिट एडिट होता होता है, है, तो तो गिवन गिवन पैकिंग पैकिंग तक तक तो तो डेटा डेटा 500 500 का का रहता रहता है, है, लेकिन लेकिन पैक्ड पैक्ड का का डेटा डेटा हमें हमें दूसरी दूसरी एक एक दिन दिन दो दो दिन दिन तीन तीन दिन दिन बाद बाद उसमें उसमें फिल फिल करना करना पड़ता पड़ता है, है, क्यों, क्यों, क्योंकि क्योंकि पैकिंग पैकिंग हमारी हमारी मान मान लीजिए लीजिए 500 500 दिया दिया हमने हमने और और दो दो दिन दिन बाद बाद वो वो 450 450 चार सौ चार पीस सौ पैक पीस हुआ, पैक तो हुआ, तो उसके उसके लिए लिए यहाँ यहाँ पे पे एक एक लिंक लिंक आता आता है, है, उसका उसका लिंक लिंक पे पे क्लिक क्लिक करने करने से से वो वो डायरेक्ट डायरेक्ट एडिट एडिट मोड मोड में में चले चले जाते जाते हैं। हैं। हाँ, तो बताया ना आपको कि वो जो है ना ये नॉर्मल फॉर्म का पार्ट नहीं है, वो आपका वेबसाइट स्क्रिप्टिंग का पार्ट है, उसने पूरी की पूरी एक सिस्टम जनरेट किया हुआ है जहाँ पे वो कोडिंग वगैरह कर रखा है, जो कोडिंग बताया था स्क्रिप्ट कोडिंग, वो कोडिंग करके उससे बनाया हुआ है, स्क्रिप्ट कोडिंग जो है ऐप स्क्रिप्ट जो है जिसकी जो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है, वो सिर्फ आपके सीट पे नहीं होता है, मैं एक्सेल गूगल शीट के लिए नहीं होता है, वो गूगल फॉर्म पे भी वर्क करता है, गूगल की वेबसाइट पे भी वर्क करता है, ठीक समझ गया ना, तो वो आपको स्क्रिप्टिंग सीखनी पड़ेगी, और स्क्रिप्टिंग सीखने से पहले आपको जावा स्क्रिप्ट सीखना होगा, और उसके बाद आपको एचटीएमएल सीखना होगा, जैसे आपने इसके गूगल के अंदर आप देखेंगे तो इसमें न्यू पे जाते हैं तो यहाँ मोर पे जब आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं माई ड्रॉइंग है, माई मैप है, माई साइट्स है, दिख रहा है आपको सर, तो साइट्स भी वेबसाइट बनाता है, तो जो नॉर्मल आप जो ड्रॉप डाउन करेंगे बनाएंगे वो तो जो पहले से प्री डिफाइंड टेम्पलेट है उसी को फॉलो करेगा ना, जैसे यहाँ दिख रहा है, बट आप चाहते हैं इसके अंदर अपने हिसाब से मैनिपुलेशन करना, तो फिर इसके अंदर भी आपको स्क्रिप्टिंग की कोडिंग करनी पड़ती है, तो वो मैं वेबसाइट है आप आप आपका, मेरे हाँ मेरे मैं आप मैं एक बार एक बार अपना अपना स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर करूं। करूँ, हाँ आपने मुझे इससे पहले दिखाया था, मैंने बताया था आपको कि इसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग सीखनी पड़ेगी, नॉर्मल ड्रॉप डाउन सिस्टम से वो नहीं बनेगा, और मुझे वो चीज़ नहीं आता है, अगर एक्सेल में होगा तो मैं अच्छा अच्छा बना अच्छा दूंगा, लेकिन इस पे मुझे नहीं आता है, तो आता भी ये तो बहुत थोड़ा बहुत गलत सलत आता है जो मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि समझ मैं खुद गया, इस पे कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, गूगल सीट ठीक के ठीक गूगल सीट जब मैं पढ़ाया उसमें हर एक चीज के बारे में जानता था, सब चीज में समझाया आपको राइट, लेकिन इसके बारे में जब मैं नहीं, मैं क्लास स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसके बारे में नहीं हाँ जानता, हाँ
ठीक तो मैं कैसे आपको गलत बता दूं? ठीक